इस्लाम का मुआशी, मुआशरती और सियासी ढांचा 50 बरसों से जेरे बहस है। सूदी निजाम को पहले ही कलादम करार दिया जा चुका है। रियासत मदीना और रियासत पाकिस्तानिया की नजरियाती तखलीक ने इन दोनों रियासतों में बाज हैरत अंगेज मुमासलतें पैदा कर दी हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। रियासत मदीना के जहूर से कबल बुत परस्त मुशरकीन मक्का इस रियासत के मुसलमानों और दीन इस्लाम के खिलाफ थे। इसी तरह रियासत पाकिस्तान के मनसा शहूद पर आने से कबल बुत परस्त मुशरकीन हिंद इस रियासत के मुसलमानों और दीन इस्लाम के भी खिलाफ थे। यसरब का नाम मदीना रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके जानिसार सहाबा की बाबरकत आमद के बाद पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान का नाम भी आलमी नक्शे पर उस वक्त तारीख में पहली मर्तबा उभरा जब कायद आजम की क्यादत में हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी सूबाजात और मशरक में बंगाल में आने और हिजरत के बाद एक रियासत करार पाने के बाद वजूद में आया। रियासत मदीना के कायम के वक्त मुसलमानों की कुछ मखसूस तादाद मक्के में रह गई, जिनकी इज्जत व आबरू और जान व माल मुतवातिर खतरे में था, और इसके बाद एक पुरखतर हिजरत करके मुसलमान मदीने चले गए। इसी तरह कयाम पाकिस्तान के वक्त तारीख की एक अजीम हिजरत अमल में आई और बहुत से मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए, जिनकी इज्जत व आबरू जान व माल और बका मुतवातिर खतरे में घिरी हुई है। मदनी रियासत में मुसलमानों के दो ग्रोह थे, मुहाजरीन और अंसार, जिनमें जमाना जाहिलियत का तासुब और असबियत उभर आया करती और दोनों मफादात के टकराव के पेश नजर संगीन सूरत इख्तियार कर लेते, जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न तदबीर और तदब्बुर के साथ इस्लामी मवाखात कायम करके खत्म कर देते और दोनों बाहम सीने से लग जाते। यही मामला पाकिस्तान में भी दरपेश है, जहां मुहाजरीन ने अपनी अलहदा शनाख्त कायम कर ली है, जबकि अहलियान पाकिस्तान यानी पहले से मौजूद मुसलमान अपनी अलहदा पहचान रखते हैं। इसकी वजह मफादात का टकराव है, जो कि शदीद असवी सूरतेहाल इख्तियार कर चुका है। इसका हल भी वही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और जमाना जाहिलियत की जाहिलाना सोच को इस्लामी मवाखात के जरिए बदला और सबको मसावी और भाई भाई बना डाला। अफसोस कि यहाँ लड़ने वाले बहुत और गले मिलाने वाले कम हैं। रोजे अव्वल से रियासत मदीना में अकलियतें मौजूद थीं और उनके मसाइल भी उभरते थे। पाकिस्तान में भी मदीने की मानिंद अव्वल रोज से अकलियतें मौजूद थीं और उनके अमूर का मसला भी यकसा है। मदीना की रियासत अलहदा मुस्लिम कौमियत और नजरिए की असास के बायस इर्द गिर्द की लादीन सेक्युलर रियासतों में घिरी थी। पाकिस्तान की रियासत भी मदीने की मानिंद एक नजरियाती रियासत है और ये भी सेक्युलर रियासतों में घिरी हुई है। मदीना की रियासत के कयाम का जमाना जुल्म व जबर, बेइंसाफी और इस्तेहसाल का दौर था। दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून कारफरमा था। रोम और ईरान की दोनों ताकतों ने फितना और फसाद बरपा कर रखा था। मजीद बरआ दगरगु आलमी हालात में जब कोई उम्मीद की किरण दिखाई न देती थी, मदीना की रियासत रोशनी का मीनार और मजलूमों की नफरत बनकर उभरी, जो कि मुरविजा सेक्युलरिज्म, मुलहिद अफकार, मादियत परस्ती, वतनियत की नफी पर खालिस रूहानी रियासत वजूद में आई। आज भी आलमी हालात इंतहाई तश्वीशनाक हैं। आलमी अमन तबाह हो रहा है, जुल्म, नाइंसाफी और इस्तेहसाल का दौर दौरा है। आलमी मगरबी ताकतों ने दुनिया भर में फितना और फसाद बरपा कर रखा है। हालात की वही मुमासिलत आज भी पाई जाती है। 20वीं सदी में भी जबकि दुनिया जहूर इस्लाम से कबल के हालात को छू रही थी और बदतरीन मादियत परस्ती, सेक्युलरिज्म, कौम परस्ती व फितना और फसाद के दौर में मौजजाना तौर पर मुमलिकत पाकिस्तान उम्मीद की किरण के तौर पर आहिया इस्लामी के लिए वजूद में आई। ये भी रूहानी आहिया असर नौ करेगी और दुनिया को मुतबादिल फितरत पर मबनी निजाम देगी। नजरियाती रियासत मदीना यहूद को एक नजर ना भाती। वो हमा वक्त और मुसलसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को नाबूद करने की स्कीमें तैयार करते रहते। यही मामला आज पाकिस्तान का भी है, जो आलमी सहूनियत की टॉप लिस्ट पर है।
वो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को इस नजरियाती मुमलिकत को ज़ईफ करने और यहाँ अनार्की फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो भी यहाँ नजरिया इस्लाम और मुसलमानों को नाबूद करने के दर पे हैं। मुनाफिकीन ने मस्जिद नबवी के मुकाबले में मस्जिद ज़रार तामीर कर ली थी, जहाँ से रुश्द और हिदायत की बजाय फितना और फसाद और इस्लाम और दाई इस्लाम के मुखालिफ स्कीमें तैयार की जाती थीं। आज पाकिस्तान की बहुत सी मसाजिद मस्जिद ज़रार की मंजर कशी कर रही है, हिदायत से खाली और फितना और फसाद का मरकज बनी हुई है। उस जमाने में भी अफवाह साजी, किरदार कुशी और प्रोपेगेंडा मशीनरी और तिजारत यहूद के कब्जे में थी। यहूद ने शराब की दुकानें खोल रखी थीं, जिन पर शाम से दरामद करदा शराब बनु कुरैजा और बनु नजीर के कबाइल फरोख्त करते थे। अरब उनकी मुआशी गुलामी में जकड़े हुए थे, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें निजात दिलाई। आज भी आलमी जराए अबलाग और मुआश पर यहूद का सख्त कंट्रोल है। खसूसन अमरीकी यहूद ने फिल्म इंडस्ट्री पर मुकम्मल कब्जा, सनत और तिजारत पर इजारादारी और आलमी बैंक और IMF के जरिए पूरी दुनिया पर तसल्लुत कायम कर रखा है। जबकि गैर यहूद की आज भी वही हालत है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी। तमाम तर आलमी वसाइल इस एक छोटे तबके के हाथ में है और मुल्कों की मईशत के ट्रिगर पर इनका हाथ है। तारीख तरीन जहालत, असबियत और नंगे इखलाक के माहौल में मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नई रियासत के जरिए दुनिया को उन अंधेरों से निकाला और एक इनकलाब बरपा करके भटकी हुई इंसानियत को दुनिया की महज़ब तरीन कौम बना दिया। तारीख अरब में पहली मरतबा ये बिरादरी कायम हुई जिसकी बिना नस्लियत, कौमियत और वतनियत की बजाय अकीदा और ईमान था। इस्लामी मुआखात का अजीम मुजाहरा हुआ। अंसार और मुहाजरीन एक मिल्लत बुनियानी मरसूस बन गए। औस और खजरत जैसे कदीम दुश्मनियां पालने वाले कबाइल बाहम शीर और शक्कर हो गए। पाकिस्तान की बदनसीबी ये रही कि सिवाय हजरत कायद आजम के जो हर हाल में रहबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा पर चलने की कोशिश करते थे, उनके एक साला दौर के अलावा मुमलिकत इस्लामिया पाकिस्तान को राहदा मयसर न आई। पाकिस्तान मुमलिकत खोटे सिक्कों और मौका परस्तों के हाथों में यरगमाल हो गई और यूं अपनी मंजिल खोटी कर बैठी। हमारे बाज मुफक्कर जराइद और मसाजिद फरार की मंजर कशी करने लगे। कौम जमूद और बेहिसी का शिकार होती चली गई। मिल्लत पाकिस्तानिया के हालात वाकयात से तारीख की दूसरी अहम कुर्बत और मुमासिलत तारीख बनी इसराइल से पाई जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फिरौन और अहले मिस्र की गुलामी से निजात दिलाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौनियत के निजाम के ऐन वस्त में परवरिश पाई और हिकमत और दानाई से कौम को मुत्तहिद और मुनज्जम किया, और एक नजरियाती जंग के जरिए दलायल और बरहीन से वक्त के फिरौनों को शिकस्त दी और कौम को एक मरकज सीना में मयसर किया। नतीजतन कौम को आजादी मयसर आई। ऐसा ही मामला मिल्लत इस्लामिया ने हिंद के साथ भी पेश आया, और इसी पैटर्न पर मुस्लिम लीग और उसके कायद ने मुसलमाना ने हिंद को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद मुनज्जम किया और एक नजरियाती जंग के जरिए आजादी हासिल की और मुसलमानों को पाकिस्तान की शक्ल में एक जाए पनाह मुहैया की। कुरान पाक में सूरह अल अराफ आयत नंबर 104 व 105 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम बनी इसराइल की अपने साथ हिजरत की इजाजत अल्लाह से तलब फरमाई, जिसकी वजह ये थी कि बनी इसराइल एक गुलाम कौम थी। वो गैर मुल्की आकाओं और उनके बातिल और मुलहदाना निजाम में जकड़ी हुई थी। इन हुक्मरानों और उनके इस मुशरिकाना निजाम की मौजूदगी में ये नजरियाती कौम आसमानी हिदायत की रोशनी में अपनी फर्दी और इज्तिमाई जिंदगी बसर करने से कासिर थी। आसमानी हिदायत का तो पहला मुतालिबा ही हुर्रियत होता है, नीज गुलामी में कौमी खुदी की आबियारी के मौके मयसर नहीं आते, और बगैर मरकजियत कायम किए आजाद कौमों की तरह देखना, सोचना और समझना मुमकिन नहीं। इलाही निजाम को कौमी जिंदगी में मुतशक्किल करने के लिए मिल्ली मरकजियत और आजाद रियासत अशद जरूरी है। जय्यद आलमे दीन अब्दुल माजिद दरिया आबादी साहिब इस आयत की जेल में तहरीर फरमाते हैं। बनी इसराइल एक मुवहिद कौम थी और उस वक्त एक मुश्तरक ताजदार के जुल्म और सितम का तख्ता मश्क बनी हुई थी।
इसलिए हजरत मूसा का पहला मुतालिबा कुदरतन यही है कि इन मुवहिदों को इस मुशरिकाना हाइल फिजा से दूर और अलग ले जाकर एक खित्ते में आबाद कर दूं। आज हिंदुस्तान में जो तहरीक एक मुस्तकिल और जुदागाना इस्लामी आबादकारी पाकिस्तान के नाम से चली हुई है, इस तहरीक को खिलाफ इस्लाम कहने वाले उलमा बराह करम इस आयत पर खलवा जहन के साथ गौर फरमाए। कौमे बनी इसराइल और मिल्लत पाकिस्तानिया में भी कई एक मुमासलतें हैरत अंगेज तौर पर मौजूद हैं, जिनका मुवाजना हम अब करते हैं। बनी इसराइल एक बैरूनी दुश्मन फराइन मिस्र के गुलामी में चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम जो नस्लन बनी इसराइल की इसी गुलाम कौम में से हैं, उनकी परवरिश फिरौन के घर में होती है, जिसके बायस वो फराइन का इस्तबदाद पर मबनी जालिमाना निजाम निहायत करीब से समझ पाते हैं और इन आकाओं के अंदाज़े हकूमत को बराह रास्त मुशाहिदा करते हैं। नतीजतन वो इस निजाम को समझने के बाद उसे तोड़ने पर आमादा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को नजरियाती असास पर मुत्तहिद किया, नीज कौम में एक बेदारी की लहर और एहसास पैदा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बगैर जंग लड़े फिक्री बुनियाद पर आजादी दिलाई और हर महाज पर उस वक्त के आकाओं को शिकस्त दी। कौम को मूसा अलैहिस्सलाम की कयादत में एक पुरखतर हिजरत के नतीजे में आजादी मिली और वो एक आजाद खित्ता सीना में मुकीम हुए और यूं उन्हें फिरौन के जबर से निजात मिली। सीना में बनी इसराइल की जहनी गुलामी और अहद फिरौनियत के असरात बदस्तूर कायम रहे, उन्हें आजाद कौमों की तरह सोचना और रहना न आया। तवील गुलामी के बायस कौम खुददारी इज्जत नफ्स हमीयत और आला किरदार के मायारात से खाली थी। यही वजह थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कौम को जिहाद के लिए पुकारा तो उन्होंने बुजदली और पस्ती का मुजाहरा किया और वो उनके साथ इस मकसद के लिए न उठे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में इस गुलाम जहन मरीज कौम को दौरे गुलामी के कौम फरोश रहनुमा मयसर आए, जिन्हें पुराने आकाओं से भी अशीर बाद रही थी, जैसा कि सामरी। ये रहनुमा फराइन के अहद में भी आला मनसबों पर फाइज थे और हुक्मरानों के बेहद करीब थे। ये फिरौनी अहद की तख्लीक करदा एस्टेब्लिशमेंट थी, इन्हें हम ईवल जीनियस करार दे सकते हैं। ये जहनी तौर पर गुलाम बेहमियत और कौम फरोश तबका था। कौम इन रहनुमाओं की साहिरी में मुब्तला रही और अपनी मंजिल खोटी करती रही, नतीजतन वो बदउनवानी और बदनज़मी का शिकार हुए, शिर्क किया और तफरका बंदी में गिरे और 40 बरस तक भटकते रहे। बनी इसराइल की इस गुलाम ज़दा बेकिरदार नस्ल को अल्लाह ने हटाकर उनकी जगह उन्हीं में से एक नई नस्ल खड़ी कर दी। ये एक आजाद मुल्क में पैदा होने वाली नस्ल थी, जिन्हें आजादी की कदर कीमत का एहसास था। इस कौम ने हजरत यशु की कयादत में इनकलाब बरपा किया और फिर बजरिया जहाद अपना असल दारुल सल्तनत अर्ज मऊद यानी प्रॉमिस्ड लैंड हासिल किया और इसी के साथ बनी इसराइल के दौरे अरूज का आगाज हुआ। कौम ने अर्ज मऊद मुशरकीन से लड़कर आजाद कराया और तमाम फलस्तीन पर बनी इसराइल की हकूमत कायम हो गई। मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद मुसलमानान हिंद एक बैरूनी दुश्मन बरतानिया की जबरी गुलामी में चले गए। इस दौरे गुलामी में जहां अंग्रेज ने मुसलमानों में से कौम फरोश और अपना वफादार तबका तैयार किया, वहां इस निजाम में हमें एक बुलंद किरदार और नूरे फिरासत की हामिल कयादत भी मयसर आई। अल्लामा इकबाल और कायदे आजम जैसे जदीद तालीम याफ्ता और अंग्रेज के निजाम हुकूमत को समझने वाले रहनुमा मयसर आए, जो हुक्मरानों गैर मुल्क की आकाओं के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करने की अहलियत रखते थे। कायदे आजम जिन्हें बास कॉलर्स ने जाहिरी हालात की मुशाहबियत पर मॉडर्न मोजिस लिखा है, एक अंग्रेज सहाफी एच वी हॉटसन अपने आर्टिकल इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज दिसंबर सन 1976 में रकम तराज है कि जिना पाकिस्तान के अवाम के कौमी हीरो हैं, जिस तरह हजरत मूसा ने सरजमीन मऊद तक बनी इसराइल की रहनुमाई की थी, कायदे आजम ने हिंदी मुसलमानों की उसी तरह रहनुमाई फरमाई और पाकिस्तान हासिल कर लिया। कायद हकूमत के इदारों में शामिल रहे, अंग्रेज की जुबान और उसके कानून और आईन पर उन्हें मुकम्मल गिरफ्त हासिल थी। अंग्रेज की सियासत
और उनके दावपेच से बखूबी आगाह थे। कायद ने अंग्रेज हुक्मरानों को दलायल बरहीन और हर फिक्री महाज पर शिकस्त दी। दो कौमी नजरिए को फिर से जिंदा किया और इसी नजरियाती कौमियत की बिना पर कौम को मुत्तहिद व मुनज्जम करके एक प्लेटफार्म पर लाए। कायद ने बगैर जंग लड़े मुसलमानान हिंद को एक जाहे पनाह पाकिस्तान की सूरत में लेकर दी, ताकि इस्लाम के असल चेहरे को दुनिया के सामने दिखाया जाए। पाकिस्तान के कयाम में भी तारीख की अजीम हिजरत अमल में आई। मिल्लत पाकिस्तानिया ने भी दौरे गुलामी के असरात से निजात हासिल न की। उन्हें आजाद खुद मुख्तार कौमों की तरह सोचना और रहना न आया। हम मिन हैसुल कौम बदउनवानी और बेकिरदारी का शिकार रहे। हमें भी साम्राज्य दौर के पुराने वफादार और कौम फरोश रहनुमा मयसर आए। कौम 50 बरसों से अपनी हकीकी मंजिल से भटकी हुई दिखाई देती है। हमें पाकिस्तान की सूरत में एक मरकज यानी नया सीना मयसर आया, लेकिन हम 50 बरसों से नफरतों, फिरका परस्ती, इलाकाइयत, नस्लियत और जर परस्ती का शिकार होकर शिर्क में मुब्तला है। अल्लामा यूसुफ जिब्रील पाकिस्तान की सीना से निस्बत बयान करते हुए तहरीर करते हैं कि दौरे हाजिर की इस मुल्हिदाना मादा परस्ती की अता तारीकियों में हिरासा और दिल गिरफ्ता कौमें उस मुतवक्के तूरे सीना पर निगाहें जमाए किसी मौजिजा रूनुमा होने की मुंतजिर है। मगर अफसोस के मूसा अपने अल्लाह से मिलने गए और सामरी ने दुनिया परस्ती का गोसाला तैयार कर लिया और कौम हमतन उसकी परस्तिश में मुनहमिक हो गई। हारून ने मुस्तरिबाना दादो फरियाद की मगर किसी ने ना सुनी और आखिर कजाए मुबर्रम भाई के हाथों भाई के कत्ल पर मुंतज हुई। पाकिस्तान बना तो हमने समझा कि हम अपने मकसद को पहुंच गए, मगर अल्लाह से ये किया हुआ वो कुरानी अहद शैतान ने हमारे जहनों से महव कर दिया और हम मट्टी के घरौंदे बनाते और मिटाते रहे। हमने जिस्म को अपनाया मगर रूह को भूल गए। जमीन से रिश्ता जोड़ा और अल्लाह से तोड़ लिया। पाकिस्तान को तो पाया मगर नजरियाए पाकिस्तान को खो दिया। अब 50 बरसों के बाद इस मुल्क में एक नई नस्ल परवान चढ़ रही है, जो कि एक आजाद खित्ते में पैदा हुई है। वो आजाद कौमों की तरह सोचती है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कौम ये अपना खोया हुआ मकाम और असल मकसद व मंजिल हासिल कर लेगी। मुसलमानों ने बर्रे आजम पर करीबन 1000 साल हुकूमत की। हम ताज दहली से बेदखल किए गए। हमारी अर्ज मऊद पूरा बर्रे आजम है, जिसे हमने बजरिया जहाद हिंद हासिल करना है। सन 712 हिजरी में तारीख इस्लाम के अजीम मुजाहिद तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियां जलाकर हस्पानिया फतह किया। उसी बरस नौजवान मुस्लिम जर्नैल मोहम्मद बिन कासिम ने बरास्ता सिंध हिंदुस्तान में इस्लाम का आगाज दीबल की फतह से किया, जहां राजा दाहिर को शिकस्त फाश दी और रियाया को हुक्मरानों के जबर से निजात दिलाई। यानी हस्पानिया और हिंदुस्तान में मुसलमानों की फतुहात का आगाज और उसके जरिए बाकायदा इस्लाम का दाखिला एक ही बरस में हुआ। बर्रे आजम में मुसलमानों ने सैकड़ों बरस हुकूमत की। किसी जगह 1200 बरस, कहीं 1000, कहीं 600 और कहीं 400 साल। मुसलमानों ने हस्पानिया में भी सैकड़ों बरस ऐसी ही सूरतेहाल में हुकूमत की। इस कदर तवील उल मुद्दत हुकूमतों के बावजूद स्पेन में मुसलमान अकलियत में रहे। हिंदुस्तान में भी मुसलमान कसीर मुद्दती तवील मुस्लिम दौरे हुकूमत के बावजूद अकलियत में रहे। जब हस्पानिया के बेशतर हिस्से पर ईसाइयों ने कब्जा कर लिया तो बाकी घरनाता बचा। घरनाता तमाम तर हस्पानिया के मुसलमानों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण और आस थी। जब तक घरनाता कायम रहा, मुसलमान हस्पानिया के अंदर मसीहों की हुकूमत के बावजूद अपना अलहदा तशखुस, दीन की दर्स व तदरीस, कारोबार जिंदगी और जमींदारी वगैरह करते रहे, बावजूद इसके कि मुसलमान इन मसीही हुक्मरानों के ताबे थे जिन पर वो कई सौ बरस हुकूमत कर चुके थे। वजह यह थी कि घरनाता की मुस्लिम रियासत मौजूद थी। मसीहों को यह रियासत एक आंख न भाती थी। मुनज्जम और गहरी साजिशों के जरिए घरनाता की रियासत को न सिर्फ अंदरूनी तौर पर बेहद कमजोर कर दिया गया, बल्कि मुख्तलिफ तासुबात, फिरकावारियत, बद इंतजामी,
बदउनवानी और अनार्की का शिकार करने के बाद अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का जाल फैलाकर घरनाता को फतह कर लिया गया। घरनाता फतह होना था कि मुसलमानों पर कयामत टूट पड़ी। लाखों मुसलमान कत्ल कर डाले गए, लाखों को जबरदस्ती ईसाइयत में दाखिल कर दिया गया और लाखों की तादाद में मुल्क बदर कर दिए गए। घरनाता का फतह होना था कि हस्पानिया से ना सिर्फ इस्लाम का खात्मा हो गया बल्कि मुसलमान भी इबरत का निशान बना दिए गए। इस वक्त पाकिस्तान भी बर्रे सगीर का घरनाता है। आज पाकिस्तान की बदौलत करोड़ों अफराद आजादी का सांस ले रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कस्म पुरसी में ही सही लेकिन अपना अलहदा तशखुस कायम किए रखे हुए हैं। वो आज भी अलहदा कौमियत है और हस्पानिया के मगलूब मुसलमानों की मानिंद कारोबारी जिंदगी गुजार रहे हैं। बांग्लादेश के करोड़ों मुसलमान पाकिस्तान की बदौलत आजादी का सांस ले रहे हैं। बांग्लादेश के अहले दानिश और बानजर अफराद इस बात को खुद तस्लीम करते हैं कि उनकी आजादी महज पाकिस्तान के तुफैल है। यही नहीं बल्कि जनूबी एशिया के दीगर छोटे ममालिक को भी पाकिस्तान की बदौलत भारतीय कब्जे से निजात मिली हुई है। माज़ अल्लाह, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों की कामयाबी की सूरत में हमारा हशर भी हस्पानिया की मुस्लिम मिल्लत की मानिंद होगा। पाकिस्तान ने हमें निशाते सानिया का मौका फराहम किया है। आज बरसगीर का घरनाता भी गंभीर मसाइल, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की गहरी साजिशों की आमाजगाह बना हुआ है। कत्ल व गारतगिरी, फिरकावारियत, असबियत, इंतजामी बद इंतजामी, बदउनवानी और शदीद अनारकी की जद में है और हस्पानिया के घरनाता की मानिंद मुश्किलात में घिरा हुआ है। नीज हस्पानिया में भी मुस्लिम सल्तनत के खात्मे में यहूद की साजिशों का भी अमल दखल था। आज भी यहूद आलमी इदारों और पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत के जरिए मुसलमानान हिंद की आखिरी आस पाकिस्तान को खत्म करने के दर पे हैं। हस्पानिया में मुसलमानों ने मसीहों को फतह करके उन पर हुकूमत की। स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत के जवाल और फिर घरनाता की हुकूमत की ज़ईफ़ी और फिर खात्मे के बाद पूरे हस्पानिया पर ईसाई हाकिम हो गए और उन्होंने वहां से इस्लाम का नामो निशान मिटा दिया। ना सिर्फ मुसलमानों को खत्म किया गया बल्कि उनके शायर और इबादतगाहें भी गिराई गईं और उन्हें चर्चों में बदल दिया गया। इसका मुवाजना अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम तारीख से किया जाए तो मालूम होगा कि हस्पानिया की मानिंद जब हिंद में मुस्लिम बादशाह का जवाल हुआ और मराठों ने जबरदस्त कुव्वत पकड़ी और मुसलमानों के खात्मे का ऐलान किया तो अहमद शाह अब्दाली ने आर्जी तौर पर इस सांप को कुचला मगर इसका खात्मा न हुआ। इस दौरान एक तीसरी कुव्वत अंग्रेज बर्रे सगीर पर हुक्मरान हो गए। उन्होंने इक्तदार मुसलमानों से छीना था इसलिए उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं के मुकाबले में पसमांदा रखा मगर जड़ से खत्म नहीं किया क्योंकि मुसलमानों ने उन पर ना ही हुक्मरानी की थी और ना ही उनसे ज्यादती की थी। मगर अंग्रेज के जाने के बाद बरसगीर की वही सूरत हाल बन गई जो घरनाता और हस्पानिया की थी, यानी मुस्लिम रियासत पाकिस्तान और वसी हिंदू रियासत भारत कायम हो गई। आज तारीख अभी तक अपने आप को दोहराती दिखाई देती है। भारत में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें इक्तदार में हैं। उनका एजेंडा पूरे बरसगीर से मुसलमानों का कुलियतन खात्मा है। मुसलमानों की अहम इबादतगाह बाबरी मस्जिद अलामती तौर पर गिराई जा चुकी है जो कि मुसलमानों के खिलाफ उनके सरजमीन हिंद से एक खात्मे के ऐलान का दर्जा रखती है। कायदे आजम इस हकीकत से बखूबी आगाह थे कि अंग्रेज के जाने के बाद हिंदू पूरे हिंदुस्तान के हुक्मरान बनने के बाद मुसलमानों का क्या हशर करेंगे, जबकि तवील मुस्लिम दौरे हुकूमत में उनकी तवील गुलामी का अनाद उनके सीनों में बदस्तूर कायम था। 22 मार्च सन 1945 ईस्वी में पाकिस्तान डे की तकरीब में कायद ने फरमाया था कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम का नाम और निशान न मिट जाए तो इसके लिए मुतालबा पाकिस्तान न सिर्फ ये एक अमली नस्बुल ऐन है बल्कि यही और सिर्फ यही वाहिद नस्बुल ऐन है। याद रखिए कि अगर हम इस जद्दोजहद में नाकाम रहे तो हम तबाह हो जाएंगे और फिर इस बरसगीर में मुसलमानों का और इस्लाम का नामो निशान तक मिट जाएगा। ये कायद की दूर रस निगाहें थीं जो कि देख सकती थीं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की बहुत ज्यादा अक्सरियत है, मगरबी जमहूरियत के तहत वो बिला शिरकत गैरे मुसल्लत हो जाएंगे।
قائد نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے قیام پاکستان کو اسلام اور مسلمانان ہند کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بھی قرار دیا۔ کچھ ایسے ہی خدشات کا اظہار حضرت علامہ اقبال نے بھی اپنے آخری ایام میں کیا۔ انگریز بہادر کے جانے کے بعد مسلمانوں اور اسلام کا حصار بر صغیر کا غرناطا پاکستان قائم ہو گیا۔ پاکستان اور غرناطا میں ایک اور بات یہ بھی مشترک ہے کہ غرناطا کی ریاست مسلمانان ہسپانیہ کا حصار تھی، جبکہ پاکستان نہ صرف مسلمانان ہند کے لیے بلکہ مسلمانان عرب کے لیے بھی ہندو شہنشاہیت سے بچنے کا حصار ہے۔ نیز یہ ریاست اذن اللہ ہے اور خصوصی کردار کی ادائیگی کے لیے حکم خداوندی سے قائم ہوئی ہے۔ بھارت اس رمز کو بخوبی سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جس طرح ہسپانیہ سے یکساں صورتحال میں مسلمانوں اور اسلام کا خاتمہ کیا گیا، اسی طرح پاکستان کے خاتمے سے یہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ان عزائم کے حصول کی غرض سے مختلف اوقات میں بھارت اپنے دانشوروں، سیاسی مدبروں اور انتظامیہ کے ماہرین کو اسپین میں تحقیق کی غرض سے بھیجتا رہا ہے کہ وہاں تاریخی شواہد اور حوالوں نیز تاریخی عوامل کی روشنی میں دیکھا جائے کہ ہسپانیہ سے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی گئی۔ بھارتی ماہرین وہاں کا تاریخی ریکارڈ اور دستاویزات دیکھتے اور غرناطا سے اسلام اور مسلمانوں کے مٹائے جانے کے آزمودہ نسخہ جات اور طریقے حاصل کرتے رہے ہیں، جن میں مسلمانوں کی پورے ہسپانیہ سے ان کی مرکزیت کو تباہی سے دوچار کیا گیا تھا۔ بھارتی نیتا اسی پیٹرن پر برصغیر کے مسلمانوں کے مرکز پر زد لگانا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ ڈھکی چھپی اور ظاہری منصوبہ بندی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ حقائق بھی منظر عام پر آ چکے ہیں کہ اہم ہندو دانشور اور مدبر ہسکر اور ڈی پی دہر وغیرہ تحقیق و مہارت کی غرض سے اسپین جاتے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ قیام پاکستان کے فوری بعد ہی جاری و ساری ہو گیا تھا۔ انہی کی کڑیاں سن 65 اور سن 71 عیسوی کی پاک بھارت جنگیں ہیں۔ آج کا پاکستان ہنود اور یہود کی گہری سازشوں کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ پاکستان ایک طرف اندرونی تعصبات اور گھمبیر مسائل اور تباہ حال معیشت کے باعث جکڑا جا رہا ہے۔ یہ ریاست تخلیق کے وقت ہی سے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی خفیہ اور منظم سازشوں کی لپیٹ میں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانان ہند اور مسلمانان عالم کے اس حصار کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔